नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सर अंसल टाउन मेरठ से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने सर 2013 में ली जी संत रामपाल जी महाराज से। सर क्या करते हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में SI पद था जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ रात को सपने में एक महाराज आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा भक्ति शुरू कर दे, नहीं तो हम तुझे छोड़ देंगे। उसके बाद में जो है मेरी काफ़ी इच्छा हुई कि मैं किसी संत को अपना गुरु बनाऊं। तो मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर थी उस टाइम पे, तो मैंने वहाँ की लाइब्रेरी में सभी शास्त्र पढ़े, चारों वेद पढ़े, गीता जी पढ़ी, 18 पुराणें पढ़ी, 6 शास्त्र पढ़े, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि हर एक में लिखा था कि गुरु बनाइए। अब मैं गुरु बनाने के लिए जो है कई लोगों से पूछा भी, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि गुरु बनाते कैसे हैं। लिहाजा मैंने जो था, एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है राम रहीम को गुरु बना लीजिए। मैं उनके साथ उनके डेरे में चला गया जी। तो मैंने वहाँ उनसे दीक्षा ली। तो वहीं सेवा करने करने में जो है मुझे कुछ वहाँ दिखाई दिया कि भाई यहाँ तो भगत लोग जो सेवा करते हैं वो कैसा खाना खाते हैं और जो अंदर के मैनेजमेंट है वो क्या करता है। तो वो मैंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद फिर मेरी ड्यूटी लग गई चीफ जस्टिस AS आनंद के PSO में जी। तो वहाँ पे जो है मैं उनके साथ में अम्बाला गया हुआ था, 2006 की बात है जी। तो मैं वहाँ जो देखा तो वहाँ राम रहीम के खिलाफ जो है जुलूस निकला जा रहा था। मैंने वहाँ एक से पूछा, दो से पूछा, चार से पूछा, छः से पूछा। जब पूछने के बाद में वहाँ पता लगा कि इनके खिलाफ तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जी फिर मैंने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर मैं वही व्यसन में लिप्त हो गया। एक दिन मुझे जो है अचानक मेरे एक मित्र ने मुझे बुलाया अपने घर और उन्होंने वही दारू धक्कड़ के पीने के चक्कर में, तो वहाँ हमने दारू पी। तो अचानक जो है उस आदमी ने अपना TV खोला तो मुझे वहाँ जो है दिखाई दिया TV पे कि कौन ब्रह्मा के पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है और हमको दे बता। तो ये मैंने सुना था TV के अंदर, तो मेरे दिमाग की घंटी बज गई। तो वो टाइम था तकरीबन 8:30 का टाइम था वो। तो अगले दिन मैंने जो था उसी ये सोच करके कि आधे घंटे का प्रोग्राम तो आता ही होगा, अब 8:30 बज रहे हैं, तो मैंने 8 बजे TV खोला, वही चैनल लगाया, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। विश्वास तो तुरंत हो गया था क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो है वो भक्ति बता रहे थे, लेकिन मैंने पहले एक गुरु छोड़ चुका था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर गलत जगह फंस जाऊँ। तो मैंने उनको 6 महीने तक सुना। फिर मैंने खुद, मैं शराब भी पीता था उस टाइम पर, मांस भी खाता था, लेकिन फिर भी जो है मैं सत्संग सुनता रहा। उसके बाद फिर मैंने खुद प्रार्थना करी कि हे मालिक, अगर आप आए हुए हैं तो मुझे भी अपनी सुनने देना। मैं जो था अपनी पत्नी को लेकर के 14 सितंबर को, तब जाकर के मैंने नाम दीक्षा ली जी संत रामपाल जी महाराज से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए जी, गिनती नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे मकान में पत्थर का काम चल रहा था, तो वहाँ पे जो है वो मशीन जो चलती है पत्थर घिसाई की, वो पत्थर घिसने वाला जो है तार लगा करके और बाहर काम कर रहा था अपना, तो उसकी मशीन का तार नंगा पड़ा था जी, तो मेरा पैर उस पर रखा गया। उसके बाद में मेरे पैर के नीचे से जो है धीरे धीरे जो है मेरा पैर गर्म होना शुरू हो गया। तो मैंने नीचे देखा ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने बीड़ी फेंक पीपा के फेंक रखी हो इस मिस्त्री ने। तो मैंने जब देखा तो अपना पैर उठाया तो उसमें नीचे नंगा तार था बिजली का। तो मैंने उससे पूछा, माँ भैया तेरा तो ये नंगा तार है और तुमने टेप क्यों लगाई है? कि ये टेप छूट गई होगी। तो मेरे जो है मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही जो मुझे जीवन दान मिला, मेरे करंट नाम की कोई बात नहीं थी, केवल पैर गर्म हुआ था जी बस। उसके बाद जो है एक बार मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा था तो मेरा एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, एक बच्ची के साथ साइकिल पर थी वो। तो इतना तो मुझे जानकारी है कि मेरी मोटरसाइकिल जो है उस बच्ची की साइकिल में लगी है, और जी मैं तो गया इस कदम दूर पे, मुझे पता नहीं कैसे गया मैं तो बैठा था पलोस्ती मार के, और वो लड़की जो है जा भी चुकी थी वहाँ से, मेरी मोटरसाइकिल अलग पड़ी हुई थी। तो जब मुझे थोड़ा सा चेतन में आया मैं, तो मेरी बराबर में फुटपाथ था, मेरे से भी बैठने के बाद में करीब 1 फुट ऊँचा और करीब 2.5-3 फीट चौड़ा था वो जो फुटपाथ। मैंने उठने की कोशिश की तो नहीं उठाया गया। फिर मैंने 2 आदमी को बुलाया, मैं जरा मुझे भैया उठाना ऊपर को, तो मुझे उन्होंने उठाया। उठाने के बाद में मैंने अपने जो है दोनों हाथ पैर झाड़े, देखा
तो मेरे कहीं भी चोट नहीं थी, मेरा कपड़े तक भी नहीं फटे थे। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल पर मैं बैठा और अपना किक मार के और चल दिया जी, अपने घर पे आ गया। उसके बाद में मुझे एक लाभ जो है ये मिला कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका था तो मेरे सर का ऑपरेशन हुआ था तकरीबन 1998 में। ये मेरा आधा सर जो है ये इतना सुन रहा करता था, ये आप ये मेरा ट्यूमर था, मैंने इसका कराया था ऑपरेशन। आप देख सकते हैं ये निशान है यहाँ पे, और ये बाहर निकल रहा था, ये अंदर घुसा हुआ था। और इसमें जो है काफ़ी गर्माहट सी रहती थी लेकिन सुन था काफ़ी। उसके बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज को बताया, मतलब महाराज मेरे तो जो है सर में ट्यूमर था और इसका मैंने कराया था ऑपरेशन, लेकिन इसमें ये पोजीशन है कि अब ये इसमें मैं खुजाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है। उन्होंने मेरे सर में ऐसे हाथ दिया यूँ और हाथ पीछे तक ले गए, और ले जाने के बाद में कट देसी आवाज़ मैंने सुनी थी जी, केवल बस मेरे सर के पीछे जो है कट देसी आवाज़ हुई, और मेरा सर उसी दिन से एक तो बराबर हो गया है, अब बिल्कुल बराबर है, कोई भी देख सकते हैं, पहले तिरछा था काफ़ी, और ना ही कोई सुनपन है इस टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल फिट, बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं शराब पिया करता था, एक दिन में कम से कम एक बोतल पी लूँ, डेढ़ बोतल पी लूँ। मैंने जो है एक एक दिन में 25-25 विल्स की सिगरेट के पैकेट पिए हैं। मैंने एक एक दिन में जो है 25-120 नंबर के पान खाया करता था। अब इस हिसाब से तो मैं बहुत ही बेकारा था, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उस दिन से जो है, अगर कोई मेरे पास पास शराब पीने वाला या शराब बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी निकल जाए पास से तो मुझे बदबू आती है, उल्टी आने हो जाती है जी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में मेरा शराब का, बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू का सब नशा छूट गया जी। सर, हम आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने बताया कि आपने राम रहीम सिंह जी का नाम लिया और 7 साल तक उनका नाम आपने चलाया, उनका आपने विरोध प्रदर्शन देखा या उन पे आरोप लगे थे, वहाँ से आपने उनका नाम छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज का भी विरोध होता है और संत रामपाल जी महाराज पे भी आरोप लगे हुए हैं। मैं पुलिस की नौकरी करता था, इतना ऐसी बात भी नहीं थी, हर बात को समझता हूँ क्या सही या गलत है। देखिए सर, आरोप तो बहुत लोगों पे लगते हैं और जेल भी जाते हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद में जो है उनको मुजरिम नहीं ठहरा सकते। अब आप ये लगा लीजिए कि हमारे कृष्ण भगवान थे वो भी तो जेल में पैदा हुए थे, हमारे क्या गुरु नानक देव थे वो भी तो जेल में डाले गए थे। अब आप यहाँ देख लीजिए कि क्या जब हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जब क्या चंद्रशेखर जो हैं क्या वो कुछ आरोपी थे? क्या भगत सिंह जो कुछ उन्होंने कुछ जुर्म किया था क्या? संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों का जो है शराब बीड़ी मांस छुड़वा दिया है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बता रहे हैं, सभी ग्रंथों को खोलकर दिखा रहे हैं, सभी ग्रंथों से कैसे मिलाकर दिखा रहे हैं, और हम इसीलिए उनसे आज तक जुड़े हुए हैं क्योंकि वो सद्भक्ति करा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से जो है दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसमें एक येलो रंग की पट्टी चलती है जिस पे आश्रम के नंबर चलते रहते हैं, उन पे आप टेलीफोन मिलाइए, टेलीफोन मिलाएंगे, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपको फिर वहीं आपके नज़दीक नामदान केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, और आप वहाँ जाइए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित होकर के सद्भक्ति का फायदा उठाइए। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।